सो ब्रो ब्रो ब्रो, हो गए पास 12th में, आ गई अच्छी रैंकिंग, हो गई सीट इंजीनियरिंग में, तो प्रोस तो मालूम हो गया भाई इंजीनियरिंग का, कौन कौन बताएगा तुमको, मैं हूँ ना, तो चलो शुरू करते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 12वीं के बाद लौंडे की जिंदगी में दो चॉइस रहे, एक इंजीनियरिंग और दूसरे मजे। मैंने चुना इंजीनियरिंग, ऑब्वियसली ब्रो मेरे अंदर कीड़े बहुत है ना। बात है उस जमाने की, एक्चुअली द फर्स्ट डे ऑफ माई फकिंग कॉलेज ब्रो। तो हम चले कॉलेज मेरे तीन दोस्तों के साथ, मैं, मेरा एक्टिवा की स्कूटी, उसमें ओनली 100 रुपीज का पेट्रोल और एक्सपेक्टेशंस। दूसरे दिन बचे थे सिर्फ हम दो, मैं और मेरी एक्टिवा की स्कूटी, खत्म खत्म खत्म। एक्सपेक्टेशंस के तो मार चुट के भाई। तो मरी हुई एक्सपेक्टेशंस को लेकर मैं बस कॉलेज जाता रहा, क्योंकि अटेंडेंस भी इम्पोर्टेंट है ना भाई। तो मेरे बने कुछ यार दोस्त भाई से बढ़कर कुछ, एक बेवड़ा, दूसरा बेवड़ा, तीसरा बेवड़ा, चौथा भी बेवड़ा, साले ये इंजीनियरिंग कॉलेज है या कोई ठेका। फिर से हम निकल पड़े कॉलेज की राह पर, मैं, मेरी स्कूटी और मेरे गंजट्टी दोस्त। तो भाई हम ना सब लोग रेगुलर कॉलेज जाते थे, सिर्फ क्लास को नहीं बैठते थे, और हमारे अटेंडेंस छठ बराबर। तो स्टोरी लाइन में लड़कियां ना हो तो मजे कैसे। तो मेरी कॉलेज लाइफ में फीमेल इंटरेक्शन के नाम पर मिली सिर्फ चार लड़कियां, एक जो सिर्फ खाना खाती, खाना खाने में पागल हो गई थी भाई वो, 80 किलो, 18 की उम्र में 80 किलो का कौन होता है। और दूसरी सिर्फ बातें, उसके अलावा दूसरा कोई इसको सोचता नहीं है। तीसरी जो लड़कों से ज्यादा लड़का लगता है। और चौथी तो चौथे दिन ही पलंग पे लेट गई कैंटीन का खाना खा। कैंटीन से याद आया, हमारे कैंटीन में मिलने वाला चाय से ज्यादा ध्रुव राठी की वीडियो में बीजेपी को प्यार मिलता है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। वैसे भी दोस्तों का टॉपिक छिड़ चुका है, तो कुछ बातें दोस्तों के नाम, इंजीनियरिंग लाइफ के दोस्त और असाइनमेंट सबमिशन का डेडलाइन, दोनों अनप्रेडिक्टेबल, बेंचोत कभी भी पलट सकता है कोई भी। तुमने अपनी जिंदगी में कितने टाइप के सांप देखे होंगे, 1 2 3 ले लो 4, इंजीनियरिंग कर लो एक बार, उससे ज्यादा वैरायटी इधर देख लोगे आप लोग दोस्तों के शक्ल में। फिर से मैं निकल पड़ा कॉलेज के रास्ते, इस बार 5 दोस्त थे, अच्छी बात है ना। सुनो, मैं, मेरी एक्टिवा, मेरे गंजट्टी दोस्त, मेरे सो कॉल्ड फीमेल फ्रेंड्स जो कि साहब है, और मेरे मरे हुए एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली। इन सब बातों में हम तो भूल ही गए पढ़ाई के बारे में। इंजीनियरिंग लाइफ में होते 8 सेमेस्टर, एक सेमेस्टर होता है 3 महीने का। उस 3 महीने में 75% अटेंडेंस मेंटेन करो, रिकॉर्ड्स लिखो, असाइनमेंट्स लिखो, 3 इंटर्न्स लो, बकचोदी करो, साफ दोस्तों को पालो और पास हो जाओ। बचपन में ना दोस्तों के साथ लुक्का छुपी खेलते थे, और अब एचओडी के साथ साला जहाँ देखो वहाँ मिल जाता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। भाई रात बीत जाएगी लेकिन कहानी खत्म नहीं होगी, इसलिए इफ यू वांट टू लिसन द पार्ट टू ऑफ दिस डू सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।